मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की 12 वर्षीय प्रीति परमार ने यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रस को फतेह कर राज्य और देश का गौरव बढ़ाया है। 16 अगस्त की रात 1 बजे प्रीति ने अपने भाई चेतन परमार के साथ बेस कैंप से चढ़ाई शुरू की और केवल 9 घंटे में शिखर पर पहुंच गई। इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रीति से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रीति को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी ताकि उन्हें इस साहसिक अभियान में कोई आर्थिक कठिनाई ना हो। प्रीति ने इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों और भाई चेतन परमार को दिया जो उनके कोच और मार्गदर्शक भी हैं। एल्ब्रस पर्वत की ऊंचाई 5642 मीटर है जो इसे फतह करना हर पर्वतारोही का सपना होता है। प्रीति ने इस चुनौती को स्वीकार कर इसे पूरा किया जो उनकी असाधारण क्षमता और साहस को दर्शाता है। हालांकि खराब मौसम के कारण प्रीति और चेतन को शिखर पर पहुंचने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और हिम्मत के बल पर इस चुनौती का सामना किया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। सीएम मोहन यादव ने प्रीति को एक पर्वतारोहण बैग देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर ने भी प्रीति की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी।